बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक है। इनमें से 75,503 शिक्षकों ने राज्य सरकार को फोल्डर ही नहीं उपलब्ध कराया है। ये ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनकी डिग्री पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल है कि आखिर फर्जी डिग्री और योग्यता पर पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों पर विभाग कब कार्रवाई करेगा। बिहार में एक तरफ 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक राज्य सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं करीब 75,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर ही सवाल है। जांच निगरानी के जिम्मे है लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। दरअसल इन शिक्षकों ने अपना फोल्डर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसके बाद निगरानी जाँच कर रही है। लेकिन जो लोग गलत सर्टिफिकेट पर बहाल है उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो है कि जो सोसाइटी में जो बच्चे जो नागरिक तैयार होंगे भविष्य के, वो अगर गलत एजुकेशन लेंगे तो कैसा नागरिक तैयार होगा, फिर तरह की समाज में अराजकताएँ होगी। और दूसरी चीज़ है कि जो पब्लिक का जो ये पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है, वह वैसे लोग उठा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो गलत समाज को एक निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इमीडिएट इस पे करनी चाहिए। लंबे दिनों से यह मामला चले आ रहा है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आरोप ये भी है कि कई जगहों पर बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को जलाया गया ताकि जांच के दायरे में आने वाले शिक्षकों की डिग्री ही शिक्षा विभाग को न मिल सके। शिक्षक संघ का सुविचारित मत है कि जो भी हमारे शिक्षक बहाल हुए हैं स्थानीय निकाय द्वारा, तो उनके नियोक्ताओं ने उन्हें बहाल किया है और जो भी गड़बड़ी हुई है वो उनके नियोक्ता के स्तर से हुई है, चाहे वे मुखिया हों, पंचायत सचिव हों, प्रमुख हों या प्रखंड विकास पदाधिकारी हों। इसके लिए हमारे शिक्षक बिल्कुल दोषी नहीं हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार फर्जी नियोजित शिक्षक की खबर को ही गलत मानते हैं। उनके मुताबिक अगर फर्जी नियोजित शिक्षक हैं तो उन पर कार्रवाई शिक्षा विभाग की बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।